गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं भी बैठी हूँ अपनी गाड़ी में। चलिए इसका भी राज बता देती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे 12। तो इसके पहले जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम लोग गाड़ी लेने आए थे, ये वीडियो मैंने आपको दिखाया कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमने अभी स्टार्ट किया, हम शोरूम से निकल के अभी हम आए हैं इधर गाड़ी को, मतलब मिठाई लेने उसके लिए। तो उसके बाद हम भैया को लेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे मंदिर के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको। अभी बज रहे घड़ी में 5। हम लोग ऑलमोस्ट 3 बजे मंदिर में पूजा वूजा करके आ गए, तो उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं था और पूजा कर रही थी मैं। तो पूजा वूजा किया, उसके बाद घर आए, घर आके लंच किया क्योंकि कल से मैंने कुछ नहीं खाया था, मेरा व्रत था। तो आज मैंने खाया दोपहर को, फाइनली खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया। अभी थोड़ी देर बाद मैं, बुआ, पापा और हमारी प्यारी सी सोफी हम निकलेंगे थोड़ा घूमने, क्योंकि बुआ गाड़ी में नहीं चढ़ी है, नए वाली गाड़ी में, तो इसलिए सोफ़ी को भी लेके जाएंगे साथ में। उसको अकेले घर में छोड़ नहीं सकते तो इसको भी लेके जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। मैं जब नीचे जाऊँगी तब आपको पूरा गाड़ी अच्छे से दिखाऊँगी वीडियो करके। ये हम निकले अपने नए गाड़ी पे राइड लेने, बुआ, सोफ़ी, मैं, पापा और हमारे जगन्नाथ भैया जो गाड़ी चला रहे हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं। वैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेस भी बहुत है, अच्छा लग रहा है गाड़ी में। पहुँच गए हम घर। ये है मेरे गाड़ी का लुक, इट्स द न्यू Hyundai ग्रैंड i10 Nios स्पोर्ट्स। कैसा लगा? गाड़ी का कलर मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, वाइट कलर, स्पेशियस भी है। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं घर। तो मैंने आपको दिखा दिया है कि गाड़ी का, मतलब साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू कैसा है। होप यू लाइक माई न्यू कार। मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज स्पेस भी बहुत है एंड इट्स ईजियर फॉर मी टू ड्राइव। मतलब गाड़ी भी छोटा सा है तो मेरे लिए वो ईजी होगा ड्राइव करने के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग इतना था कि सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।